शराबी ड्राइवरों का जमा होगा रिकॉर्ड, बार बार पकड़े जाने पर जाना पड़ सकता है जेल। जी हाँ, नागपुर शहर में होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट में शराब पीकर वाहन चलाने वाले ही ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, साथ ही साथ उन्हें दूसरे की परवाह तक नहीं होती। इसलिए बार बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले के खिलाफ पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। डीएसपी ट्रैफिक राज तिलक रोशन ने सभी ट्रैफिक जोन को शराब पीकर वाहन चलाने पकड़े गए लोगों का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए व्यक्ति को दो बार दो गुना जुर्माने की सजा सुनाई है। सीतामढ़ी ट्रैफिक जोन के इंचार्ज इंस्पेक्टर जयेश भंडारकर ने बताया कि शहर में एक्सीडेंट रोकने के लिए यह पहल की गई। केवल उनके ही नहीं बल्कि शहर के सभी ट्रैफिक जोन पर एक्सेल शीट पर उसकी एंट्री की जा रही है। केवल नाम डालते ही वाहन चालक द्वारा पूर्व में किए गए अपराध का ब्यौरा सामने आ जाएगा कि वह कितनी बार शराब पीकर पकड़ा जा चुका है, इसकी जानकारी मिलेगी। उसी के हिसाब से पुलिस न्यायालय में केस दायर करेगी, साथ ही न्यायालय के सक्षम पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा तो भेज दिया जाएगा जेल। भंडारकर ने बताया कि न्यायालय ने सभी इस पर सख्त रूप अपनाया है। सीतामढ़ी निवासी प्रवीण मनोहर बुरटकर को पुलिस ने 7 दिसंबर को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ाया था। कंप्यूटर पर उसका नाम डालते ही पता चल गया कि वह एक महीने में तीसरी बार पकड़ा गया है। पहली बार तो न्यायालय ने उस पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इस बार न्यायालय में दोषारोप पत्र पेश करते समय पुलिस ने उसका पुराना रिकॉर्ड भी सामने रखा। न्यायालय ने प्रवीण को दो नए मामले में 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अगली बार वह शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गए तो सीधे जेल भेज दिया जाएगा। अब तक वाहन चालक न्यायालय में जुर्माना भरते ही छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शासन का उद्देश्य केवल मोटा जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों को शराब पीकर वाहन चलाने से रोकना है। इसी मामले में ट्रैफिक के अपराध अभिलेख विभाग के कांस्टेबल पुरुषोत्तम कालने और ममता यादव का विशेष योगदान रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही।